सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेक श्योर वीडियो एंड तक देखिएगा। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। तो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नर्चर बैच के ऊपर। तो ये जो नर्चर बैच होने वाला है, ये नीट एस्पिरेंट के लिए होने वाला है। तो गाइज, पहले मैं बता देता हूँ कि नर्चर बैच किन बच्चों के लिए होता है। तो जो भी क्लास 10th पास आउट हो चुके हैं, क्लास 11th में पढ़ना चाहते हैं, मतलब कि जो भी क्लास 10th to 11th मूविंग स्टूडेंट्स होते हैं, ये बैच उनके लिए होता है। तो गाइज, आज के इस वीडियो में हम पूरा नर्चर बैच के बारे में डिटेल में जानेंगे। जो भी कोर्स डिटेल होगा, जो भी फी स्ट्रक्चर होगा, जो जो स्टेप्स आपको फॉलो करने होते हैं एडमिशन के रिगार्डिंग, सब कुछ इस वीडियो में पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। तो अगर आप भी नीट 2024 के एस्पिरेंट हैं, अगर आपको भी नर्चर बैच में एडमिशन लेना है, अगर आपको भी कोटा LN में आके पढ़ाई करना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका बैच कब से स्टार्ट हो रहा है। तो गाइज, उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि नर्चर बैच का 4 फेज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और ये 5th फेज स्टार्ट हो रहा है, जो कि 6 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। तो गाइज, 6 जुलाई से आपका फेज़ 5th स्टार्ट होगा नर्चर बैच के लिए। वहीं गाइज, अगर एडमिशन मोड का बात करें तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलता है। आप डायरेक्ट भी एडमिशन ले सकते हो, या अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए, डिस्काउंट चाहिए फी में, तो उसके लिए आप एक स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकते हो। टैलेंट एक्स के थ्रू आपका टेस्ट होगा और जो भी आपका रैंक आएगा उसके हिसाब से आपको एक अच्छा खासा स्कॉलरशिप मिल जाएगा। गाइज, अगर मीडियम का बात करें तो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में ये बैच स्टार्ट हो रहा है। तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं, उनके लिए भी बैच स्टार्ट हो रहा है 6 जुलाई को, और जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए भी 6 जुलाई को बैच स्टार्ट हो रहा है। गाइज, वहीं अगर हम बात करें सेंटर का, तो आपका जो सेंटर कोड है वो है 1001 और जो आपका कोर्स कोड है वो है 3005। तो गाइज, ये सब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि कोर्स कोड और सेंटर कोड से क्या होगा, बट मैं आपको बताता हूँ। ये आपका सेंटर क्लासरूम सेंटर जानने में बहुत मदद करता है। तो गाइज, आपका जो 1001 सेंटर कोड है, ये है सत्यार्थ समुन्नत जवाहर नगर का। तो इसी बिल्डिंग में आपका क्लास अलर्ट होगा। बाकी गाइज, अगर फी स्ट्रक्चर का बात करें, तो अगर आप वन टाइम पेमेंट करते हो तो आपका जो फी रहेगा वो रहेगा 1,19,000। अगर आप 2 टाइम पेमेंट करते हो, मतलब कि अगर आप इंस्टॉलमेंट पे पेमेंट करते हो, तो आपका जो फी रहेगा वो रहेगा 1,25,000। मतलब कि अगर आप 1 टाइम पेमेंट करते हो तो यहाँ पे आपको 6,000 का डिस्काउंट मिलता है। बाकी गाइज, अगर रिफंड के बारे में बात करें, तो रिफंड के कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं जो कि आपको फॉलो करना होता है। तो गाइज, यहाँ पे आपको टोटल 30 डेज़ का रिफंड पॉलिसी मिलता है। 30 दिन के अंदर में आप रिफंड ले सकते हैं, लेकिन इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं जो कि आपको फॉलो करना होगा। तो गाइज़, अगर आप स्टार्टिंग के 15 दिन में, जिस दिन आप एडमिशन लिए हो उस दिन से, अगर स्टार्टिंग के 15 दिन के अंदर में अगर आप रिफंड लेते हो, तो 15,000 कट करके बाकी जो भी अमाउंट होता है आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है विद इन 14 to 15 डेज। उसके बाद जो बाकी के 15 दिन बचते हैं, अगर आप उसमें रिफ़ंड लेते हो, मतलब कि अगर आप 1 तारीख को एडमिशन लिए, तो 1 तारीख से 15 तारीख तक अगर आप रिफ़ंड ले लिए तो 15,000 काटे जाएंगे। अगर 15 तक नहीं ले पाए, तो 16 से 30 तारीख तक अगर आप रिफ़ंड लेते हैं, तो 30,000 कट किया जाएगा। बाकी जो भी अमाउंट होगा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। बाकी गाइस, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा वो सब आपको पढ़ाया जाएगा, मॉड्यूल्स भी प्रोवाइड किया जाएगा आपके इंस्टीट्यूट की तरफ से, और जो भी ड्रेसेस वगैरह, जो भी किट्स होते हैं, जो भी आपके स्कूल बैग और जो भी ड्रेसेस वगैरह मॉड्यूल, ये सब मिलता है, सब कुछ इंस्टीट्यूट की तरफ से मिलता है। और इसके लिए कोई भी आपको एडिशनल चार्ज या फ़ी नहीं देना होता, सब कुछ आपके फ़ी में ही होता है। बाकी गाइज, अगर आपको किसी भी तरीका का एडिशनल स्कॉलरशिप चाहिए, तो उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन है। मैं यहाँ या यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप ध्यान से उसे पढ़ लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर किसी भी कैटेगरी में आप फिट बैठते हैं, तो आपको up to 90% तक का स्कॉलरशिप मिल सकता है। तो गाइज, यही था पूरा कोर्स डिटेल, जो कि मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। इतना कुछ अगर आपने ध्यान से सुना होगा, तो आपके एडमिशन लेने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, और ना ही कोर्स से रिगार्डिंग आपके दिमाग में कोई भी डाउट बचा होगा। बाकी फिर भी अगर कोई डाउट बचता है, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं या मुझे इंस्टा पर DM कर सकते हैं। और गाइज, अगर आप कोटा आना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे भाई लोग हैं जो कि कोटा के हैं, या ऐसे भी भाई लोग हैं जो कि कोटा आना चाहते हैं, तो वो ग्रुप भी आपको हेल्प कर सकता है। बाकी सब चीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट से ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे अपलोड्स की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ।